मालपुरा खेताराम भील के परिवार की सात बेटियां 4 तारीख को माता पिता की अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाएगी। 4 तारीख को सात बेटियां अपने माता पिता की अस्थियों को हरिद्वार विसर्जन करने जाएगी। इस बेटियों के साथ आसपास के परिवार के लोग भी जाएंगे। आपको बता दें कि मालपुरा निवासी खेताराम की सिंदरी घटना में अपनी पत्नी व बेटे सहित सासी अंशी देवी सहित इस घटना में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद खेताराम की सात बेटियां अनाथ हो गई। अब सर्व समाज ने स्वर्गीय खेताराम व उसकी पत्नी कैंकू देवी को 4 तारीख को हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं। इस परिवार की सात अनाथ बेटियों की पूरे देश ने सहयोग किया। खेताराम के साथ 5 लोग थे, 2 महिलाएं 2 पुरुष। वह खेताराम का इकलौता बेटा जसराज। इस घटना के बाद एक इंसान जिंदा है, बादरा राम भील, जो आज भी जोधपुर में जिंदगी व मौत की जंग लड़ रहा है। बाकी वाले शहर की इस घटना में मौत हो गई। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भगवान से दुआ करते हैं कि इस परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।